अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आज बनाऊंगी चिकन बारबेक्यू टिक्का बोटी। चले तो बनाना स्टार्ट करते हैं। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें, इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बारबेक्यू चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए मैंने 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिया है और ये देखिए इस तरह छोटे पीसेस में से कटिंग करवा लिया है। एक बॉल ले लेंगे और इसमें ये सारा चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने बॉन के साथ लिया है और इसे अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद छन्नी में रख दिया था और इसका पानी ड्राई हो गया है। देखिए एक छोटा चम्मच है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा, ये देखिए छोटा चम्मच डाल दिया है, तकरीबन 1 टीस्पून भर के है भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के। और ये है गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून। ये मेरे पास है कोकोनट, इसका पाउडर है कोकोनट का, ये देखिए ये 2 टीस्पून डाल दिए हैं। और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी चला जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून डालूंगी, 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों को डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और ये है चिली पेस्ट, ये भी 1 टीस्पून। मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया, अब डाल दिया 1 टेबलस्पून मैंने कचरी पाउडर, आप चाहें तो पपीता पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून डाल दूंगी फूड कलर और 2 टेबलस्पून ऑयल चला जाएगा। 1 टेबलस्पून डालूंगी साथ ही मैं इसमें सिरका, ठीक है, सिरका भी चला गया। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने चिकन के साथ मसाले को लगाना है। अब 1/2 लेमन लेके इसको इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं इसको भी, और इसे रख देंगे हम 3 से 4 घंटे के लिए। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया, जब तक हम एक चटनी तैयार कर रहे हैं इसके लिए मैंने एक चॉपर ले लिया है। बारबेक्यू चटनी बनाऊंगी और 1 बड़े साइज का टमाटर इसमें डाल दिया है, ठीक है। 3 टेबलस्पून इसमें हरा धनिया चला जाएगा, हरा धनिया के साथ उसकी स्टिक भी है तो इससे फ्लेवर अच्छा हो जाता है। 2 टेबलस्पून पुदीना और 2 है मेरे पास बड़े साइज के लहसुन के जवे, ये भी इसमें डाल देते हैं। और 5 हरी मिर्चें ले ली है मैंने, छोटे साइज की भी हैं और ये देखिए मोटी वाली हरी मिर्च भी है, ये डाल देंगे। और इसे बिल्कुल बारीक जो है मैं चॉप करूंगी, उससे पहले 1 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका भी डाल दूंगी, ठीक है। और इसे बिल्कुल बारीक चॉप करके लाती हूँ मैं, देखिए ये बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। ये टमाटर का पानी है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल के चॉप कर लीजिएगा, बिल्कुल बारीक हो जाएगा। फिर एक बाउल में निकाल लेते हैं, जितनी ज़रूरत होगी उतना हम निकाल लेंगे, बाकी को फ्रीज कर देंगे, ठीक है। अब इसमें साथ ही जाएगा नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये इमली का पल्प है, थोड़ी सी इमली लेके मैंने पानी में भिगो दी थी और उसके बीज निकाल दिए थे। 3 टेबलस्पून इमली का पल्प चला जाएगा, इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बारबेक्यू चटनी तैयार हो गई है, आप इसे बनाइएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं, आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह की मैंने सीख ली है, बिल्कुल फ्लैट है ये। और अब हम इसमें चिकन के पीसेस को लगा लेते हैं, ठीक है, देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से लग जाएगा ये। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन टिक्का बारबेक्यू तैयार होगा, आप इसे बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कीजिएगा। कोयलों को मैं पहले से गर्म करने रख चुकी थी, देखें इस तरीके से हम रखते रहेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। आप चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद इसको पलट देंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ब्रश की मदद से,
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन टिक्का तैयार हो रहा है, ये बहुत जल्दी गल जाएगा क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारा जो है चिकन टिक्का तकरीबन तैयार होने लगा है, तो मैं इसको सर्व करके फिर आपको दिखाऊंगी ये किस तरीके से बना है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का हमारा चिकन टिक्का तैयार है, इसको रायते के साथ और मैंने बारबेक्यू चटनी के साथ सर्व किया है। आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।